नमस्कार, मैं अनिल जसवाल, आप देख रहे हैं वायरल खबरें। आज हम कुर्ला में आए हुए हैं और हमारे साथ डॉक्टर फैजान अजीजी जी हैं, उनसे पता करते हैं कि जनता की क्या परेशानियां हैं। जनता को देखा जाए तो जब से COVID-19 का केस आया है तो बेसिक जो जरूरत है वो अभी तक पूरी तरीके से मिल नहीं पा रही है। जैसे माइग्रेंट लेबर थे, उनको BMC की तरफ से खाने पीने का अरेंजमेंट हो रहा था, लेकिन वो मास लेवल पे जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। सेकेंडली, जो भी स्टेट गवर्नमेंट की जो भी सुविधाएं हैं उसको लागू कराने में देखा जाए तो हमारे कॉरपोरेटर्स लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहता है उसके अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद ही कोई कॉरपोरेटर अपने एरिया में एक्टिव नजर आएगा। अभी मिसाल के तौर से जिस तरीके से मुंबई महानगर पालिका ने एक वो निकाला था, कुछ सर्कुलर निकाला था कि 10 लाख पर कॉरपोरेटर को देंगे वो मास्क बांटने के लिए और अपने एरिया में सैनिटाइज करने के लिए। तो सैनिटाइज की जहां तक बात आ गई है, जनता ने अपने तरीके से अपने अपने इलाके में कई NGOs वालों ने किया है उधर से, लेकिन मैंने अभी तक किसी को मास्क बांटते हुए नहीं देखा। क्योंकि आप देख लीजिए कि हर छोटी छोटी खबरें जो होती है, हमारे कॉरपोरेटर्स होते हैं कोई फोटो निकाल के डाल देते हैं, लेकिन अभी तक वो मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। दूसरी बड़ी बात, जो राशन कार्ड वाले, जो नॉन राशन कार्ड वाले लोग हैं उनके लिए खाने पीने की इतनी परेशानी है कि वो बताया नहीं जा सकता। स्टेट गवर्नमेंट से तो आ जाता है कि भाई आम राशन चला जाएगा, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि नीचे जाके मामला अटक जाता है। दूसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यहाँ के लोगों को हो रही है वो हो रही है हेल्थ की सुविधाओं के ताल्लुक से। OPDs बंद है, हॉस्पिटल्स बंद है और डॉक्टरों की इतनी मनमानी है यहाँ पे कि वो आ नहीं रहे हैं। बेचारे जो इक्का दुक्के डॉक्टर आ भी रहे हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर पड़ रहा है कि वो हैंडल करने में थोड़ा डर रहे हैं उसके अंदर से। अब ये सारा भय जो है इसको चाहिए था हमारे जो हेल्थ के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं इनको चाहिए था वो भय निकालना, जिसकी वजह से डॉक्टर आते काम करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि आज इस महामारी के उसमें हर वर्ग के लोग अपना योगदान दे रहे हैं, कोई अपना प्रॉफिट नहीं देख रहा है। लेकिन मुझे बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि हमारे कुछ डॉक्टर ऐसे हैं इसमें भी कमाने का जरिया ढूंढ रहे हैं और हॉस्पिटल फुल कमर्शियलाइज हो गए हैं। इसके लिए चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट इन पे एक्शन ले। जब तक ये एक आध डॉक्टर के लाइसेंस कैंसिल नहीं करेंगे, कुछ हॉस्पिटल सीज नहीं करेंगी, जैसे डिनाई कर रहे हैं इमरजेंसी के लिए, स्थिति सुधरेगी नहीं और कॉमन आदमी बेचारा इससे प्रॉब्लम फेस करता रहेगा इसके अंदर। राज्य सरकार आपको यहाँ कुछ काम करते हुए नजर आ रही है? जैसे मैंने आपको बताया कि राज्य सरकार जो है डायरेक्ट तो काम नहीं करेगी यहाँ पे, उनका जो प्रतिनिधि होता है, चाहे MLA होते हैं, चाहे कॉरपोरेटर होते हैं और या तो फिर BMC अधिकारी होते हैं, वो काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये हमारा कुर्ला आज नंबर 2 पर आ गया है। आप देखिएगा कि पहले ही 3 पे था, अब आज मुझे खबर जैसे मिली है कि हमारा जो L-वार्ड है वो 2nd पर आ गया है। तो इसके अंदर हमारे कॉरपोरेटर्स की और हमारे MLA जो है और MPs की जो है वो टोटली क्या कहा जाएगा, निग्लिजेंस की वजह से हुआ है। अब स्टेट में हमारे उद्धव ठाकरे साहब जो है, नो डाउट ही इज वेरी डैशिंग CM, उनका इमीडिएट जो भी एक्शन लिया जाता है, आदित्य ठाकरे जी भी इमीडिएट एक्शन लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जमीन के ऊपर जो काम करने की बारी आती है ना, वहाँ के अधिकारी गायब हो जाता है। इसकी वजह से जो लाभ स्टेट गवर्नमेंट का हमको मिलना चाहिए या आम जनता को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और एक सवाल, जब कुछ 100 मामले थे तब इतना बड़ा लॉकडाउन हुआ और आप लाखों में मामले पहुंच गए, तो आप धीरे धीरे करके देश चालू किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, असल में क्या है कि लॉकडाउन एक क्या अनप्लान्ड लॉकडाउन था। दूसरे कंट्रियों ने जो लॉकडाउन किया है एक प्लानिंग के तहत किया है, चाहे आप कनाडा की बात देख लें, जर्मनी की देख लें, एक पूरी प्लानिंग से किया। हमारे यहाँ जिस तरीके से नोटबंदी अनप्लान्ड तरीके से किया था, एक डिजास्टर हो गया था, लॉकडाउन भी एकदम डिजास्टर हो गया है। आज जहाँ महामारी की वजह से हेल्थ सेक्टर इतनी बुरी तरह प्रभावित हो गया है, उसी तरीके से बिजनेस इंडस्ट्री इतनी चौपट हो गई है कि उसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। अगर लॉकडाउन उठाया नहीं गया और रोजगार वापस से दिया नहीं गया या कारखाने या काम का शुरू नहीं किया गया, तो मुझे डाउट ये है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी ऑलरेडी बुरे हाल से गुजर रही है, खुदा जाने आगे इसका क्या हासिल होगा। तो कहीं ना कहीं अपना डैमेज कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये देखा जाए तो उल्टा डिसीजन लिया है। इनको चाहिए था कि केस कम होने की बात करते, लेकिन अब इनको पता है कि इनके पास उतनी सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है, इनके पास जो भी चीजें हैं वो इससे बिजनेस से ही आनी है, तो बिजनेस को बढ़ावा इस तरीके से काम करने के लिए इन्होंने लॉकडाउन हटाया है। इस कोरोना जैसी महामारी में आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को मैं एक संदेश ये देना चाहूंगा कि देखिए, आप जो है पैनिक ना होए। महामारी देखा जाए तो पहले भी आती रही है, आप जो है गाइडलाइन गवर्नमेंट की पढ़िए, गवर्नमेंट की गाइडलाइन आपको पूरा संतुष्ट करेगी। कोरोना ऐसा नहीं है कि उसके अंदर जो मोर्टेलिटी रेट, मौत की जो परसेंटेज है, बहुत कम है। आपने एहतियात कर लिया तो आपको कुछ नहीं होगा। और मैंने इसमें एक ही चीज देखा है कि हमारे कुछ हॉस्पिटल जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और WHO की भी गाइडलाइन पूरी
किनारे करते हुए नजर आ रहे हैं। एक मुद्दा मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या हो रहा है कि हॉस्पिटल जो है जो पर्सेंट डेड हो जा रहा है कोरोना की वजह से, उसका चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, उसका रिप करके दे दे रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि आप जो है उसके रिलेटिव्स को रिप खोल के उसका चेहरा दिखाओ और उनके जो भी रस्म रिवाज है बगैर बॉडी को टच किए तो थोड़ी दूरी पे वो करने की परमिशन दिया उसके अंदर से, लेकिन ये जो है हॉस्पिटल्स नहीं दे रहे हैं। इसके वजह से दो केसेस हो गए हैं। नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हॉस्पिटल ने क्या किया, किसी की बॉडी किसी और को दे दी। इस तरीके से भी मुझे अखबार की तरह मालूम पड़ा है कि अहमदाबाद में भी यही मामला हुआ है। तो इस कदर लापरवाही है, तो आप लोग मेरा एक ही निवेदन है आप लोगों से कि आप जो है ना गवर्नमेंट की गाइडलाइन पढ़ें, पैनिक मत होइए। ये ठीक है बीमारियां आती और जाती रहेंगी, लेकिन आपको थोड़ा आत्मनिर्भर आपको होना पड़ेगा, खुद आपको भी कुछ जानकारी लेना चाहिए और उसके हिसाब से आप भागिए मत। अगर आपके पड़ोसी को हो गया है कोरोना तो ऐसा नहीं कि आपको भी कोरोना हो जाएगा। अब आप देखिए, एक घर के अंदर एक को कोरोना हुआ तो पूरी पूरी फैमिली को नहीं हो रहा है। आप बस प्रिकॉशन लीजिए, पैनिक ना होइए, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करिए, बस मेरा यही संदेश है। अमेरिका में एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त साइंटिस्ट ने ये कहा है कि जैसी ये दुनिया पहले थी वापस ये वैसी नहीं हो सकती, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, उन्होंने बहुत सही कहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से पूरे दुनिया की आर्थिक पोजीशन जो है बुरी तरीके से डगमगा चुकी है, उसको कवर होने के लिए बहुत समय लगेगा उसके अंदर। तो उनका जो ये कहना है कि एक तो सबसे बड़ी बात हेल्थ सेक्टर का मतलब ये नहीं है कि हेल्थ कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ, जो आदमी हेल्थ से प्रभावित हुए, इतने लोग मरे हैं या जिनके रिलेटिव गए हैं, इतना बड़ा जो मौत का आंकड़ा पूरी दुनिया का सामने आया वो परेशान कर रहा है। फिर दूसरी बड़ी बात क्या है, इकोनॉमिक पूरे वर्ल्ड की आज देखा जाए तो तितर बितर हो रही है उसके अंदर से, और अब अगर हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चालू भी करेंगे तो उसमें बहुत सारे मामला ऐसे हैं कि उसको आते समय रहते हुए उसको पटरी पर आने के लिए बहुत समय लगेगा। तो उन्होंने सही कहा इस चीज को। मेरा परिचय है, मेरा नाम भरत सिंह है, मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ। अभी एक महीने का रमजान महीना था, यहाँ पे एक हाजी साहब है, हाजी सिराज जुगनू जी, उन्होंने एक महीना लोगों को रोजा अफ्तारी कराया। उसके बाद ईद के दिन उन्होंने लोगों को सेवैया दूध, फिर उनको खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, यहाँ एक किस्मत नगर में हाजी सिराज जुगनू भाई रहते हैं, उन्होंने किया लोगों के लिए। लेकिन यहाँ का जो प्रतिनिधि है, आमदार बोलो, नगर निगम बोलो, खासदार बोलो, कोई यहाँ पे आया नहीं है और न किसी का कोई हेल्प हुआ है। यहाँ के लोग खुद मिलके एक दूसरे की मदद करने का काम किया गया है। अब डॉक्टर अजीजी जी आकर लोगों को हॉस्पिटल की सुविधा मुहिम कराना और यहाँ के लोग आपस में मिलकर हम लोग सब लोग एक साथ खड़े होकर लोगों को राशन वितरण करना, मास्क बांटना, सैनिटाइजर करना, लोगों का गांव भेजने का काम करना, मजदूरों को गांव भेजने का काम, और यहां के लोगों की समस्या को हम लोग आपस में सब लोग ने मिलकर काम किया यहां पे। और डॉक्टर, यहां पे जनता की जो परेशानियां है उसको दूर करने के लिए आप लोगों ने क्या किया? हमारा एक एनजीओ है जिसका नाम है ह्यूमन सोशल केयर फाउंडेशन। हमने सोशल केयर फाउंडेशन के जानिब की तरफ से या हमारे एनजीओ ने और उसमें जो हमारे साथी है, जैसे हमारे चेयरमैन है डॉक्टर फैजान अजीजी साहब, हाजी सिराज अहमद, हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी भरत सिंह जी और हमारी जो पूरी टीम है अब्दुल सत्तार, तो हम लोग ने मिलकर लोगों को जैसे राशन किट हो गया, यानी लॉकडाउन के 10 दिन के बाद से हम लोग ने काम चालू किया। हमने देखा कि लोगों की जो परेशानी थी, कुछ हमारे सलम में और कुछ हमारे चौल में ऐसे लोग थे कि जो रोज कुआं खोदते थे, रोज पानी पीते थे, जिनकी संख्या पर डे की 300 400 500 थी। अब वो 10 दिन लॉकडाउन होने के बाद जो है उनकी वो आवक जो थी वो बंद हो गई। अब उनको हम लोग ने देखा कि ये बहुत परेशान चल रहे, तो हमने उनको राशन किट दिया, सैनिटाइज करवाया, मास्क बांटे और जिसको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी हॉस्पिटल की में ले गए। और हमारे इधर के जो प्रतिनिधि लोग थे यहाँ के, जो आमदार, हमारी एमपी, हमारे नगर सेवक, इन्होंने इसमें हम लोग को कुछ ऐसा सहयोग नहीं किया जिससे हम लोगों को भला करें। अब हमने लोगों का भला कैसे किया, हमने आपस में अपनी टीम बनाई, जो छोटे छोटे व्यापारी थे, जो छोटे छोटे तबके के व्यापारी थे, उनको हमने जमा किया, उनसे मीटिंग किया कि भाई जो हमारे लेबर मजदूर भाई जो परेशान है, इनकी परेशानियों को हम लोग कैसे दूर करें। तो हम सब मिलकर
पैसा जमा करके वो उनके ऊपर हम लोग ने खर्च किया, खाने में, पीने में, नाश्ते में, और रमजान महीने में अफ्तारी में लोगों को घर पे अफ्तारी ले जाना, सहरी देना, ईद में बिरयानी और सेमई, जो हम लोग से हो चुका ह्यूमन सोशल केयर फाउंडेशन की तरफ से हमने किया।